आईपीएल 2017 में आज हम बात करेंगे मैच नंबर 22 की। इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से रौंद दिया। इस मुकाबले में क्या कुछ रहा खास, देखते हैं। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाकर मैच जीता और ये आईपीएल के इतिहास में उनके द्वारा सबसे बड़ा रनचेज है। इससे पहले मुंबई की टीम 2014 में 195 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीती थी। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पावर प्ले के ओवर्स में 82 रन बनाए और ये उनका आईपीएल में अब तक का सबसे बढ़िया पावर प्ले का प्रदर्शन है। इससे पहले आईपीएल में उनका पावर प्ले के अंदर सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2008 में आया था, जब सीएसके के खिलाफ उन्होंने पहले 6 ओवर के अंदर 78 रन बनाए थे। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 58 रन दे दिए और ये उनका T20 क्रिकेट में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि मजे की बात यह है कि लसित मलिंगा ने अपने 229 T20 मैचों में मात्र 3 बार 50 या उससे ज्यादा रन दिए हैं। इस मुकाबले में मुंबई की टीम की तरफ से 15 छक्के लगे और ये रन चेज के दरमियान लगने वाले सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले हालांकि 14 छक्के रन चेज करते हुए 3 बार लग चुके हैं। इस मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज हाशिम आमला ने जबरदस्त शतक बनाया। हालांकि शतक बनाने के बावजूद भी उनकी टीम हार गई और ये आईपीएल में 8वां मौका था जब किसी बल्लेबाज ने शतक बनाया और उनकी टीम हार गई। इससे पहले एंड्रू साइमंस, यूसुफ पठान, सचिन तेंदुलकर, शेन वॉटसन, विराट कोहली, रिद्धिमान साहा और स्टीव स्मिथ ने भी शतक लगाया, लेकिन उनकी टीम अंत में हार गई। फिलहाल के लिए इतना ही। आईपीएल के अगले मुकाबले के साथ फिर होगी मुलाकात।